वंदे मातरम। 62वें गणतंत्र दिवस के इन गौरवमयी पलों में दूरदर्शन परिवार की ओर से शुभकामनाएं। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ और भारत एक संप्रभुतापूर्ण, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में उदित हुआ। भारतीय संविधान दुनिया में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इस ऐतिहासिक राजपथ से हर गणतंत्र दिवस पर भव्य परेड गुजरती है। महामहिम राष्ट्रपति परेड की सलामी लेते हैं। राजपथ के पूर्व में है इंडिया गेट। हर गणतंत्र दिवस पर प्रधानमंत्री यहां अमर जवान ज्योति पर कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हैं। 61 वर्ष पहले 26 जनवरी 1950 को 21 तोपों की सलामी के बाद भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के गणतंत्र बनने की घोषणा की। Ever since we arrived here this morning, we have been seeing a steady stream of people flowing in to witness the Republic Day parade. The cold nip in the air imparting a crisp, invigorating edge to everything in sight. And why not? Because today is a special day indeed, the 26th of January, a day when celebration acquires a new dignity, when patriotism takes on fresh meaning and diversity new dimensions. Rajpath, the Avenue of Kings, seen today in its ceremonial avatar, leading on to the majestic Rashtrapati Bhavan, standing tall and proud. The Rashtrapati Bhavan, the official residence of the President of India, and in the forecourt of this splendid building is the 44-meter-high Jaipur Column, which is topped by the Star of India. The Rashtrapati Bhavan is flanked on either side by the North and South blocks that house the Prime Minister's office and some key ministries. And panning to the right of North Block, we have the Circular Parliament House, the seat of India's Legislative Assembly. 26 जनवरी गणतंत्र दिवस हमारा राष्ट्रीय पर्व, प्रत्येक देशवासी गौरवान्वित है। 1950 में आज ही के दिन भारत वास्तविक अर्थों में प्रभुता संपन्न गणतांत्रिक राष्ट्र बना। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत के संविधान को संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया। सभी ने प्रण लिया कि हम इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। 26 जनवरी 1950 को संविधान प्रभावी हुआ। संविधान लोकतंत्र के रूप में हमारी आकांक्षाओं और विकल्पों का प्रतिबिंब है। देश के श्रेष्ठ मूल्यों का प्रतिरूप है हमारा संविधान। आइए एक महान राष्ट्र के नाते पुनः शपथ लें, न्याय, समानता और स्वतंत्रता पर प्रत्येक नागरिक का अधिकार रहेगा। देश का गौरव हमारा संविधान। Rajpath today, a vision of perfection, ready to play host to a regal display of military might and cultural variety. People from all walks of life have gathered here to witness the 62nd Republic Day Parade. Across Rajpath and opposite the saluting base is our national emblem, the Lion Capital of Sarnath, which is placed high on a pedestal representing a stupa. The military band standing at the national emblem will play the national anthem on the arrival and departure of the President of India. And now, since no ceremony is complete without remembering its martyrs, you can never tell how close you are. Victory may be near when it seems afar. So stick to the fight when you're hardest hit. It's when things seem worse that you mustn't quit. And now, remembering those men who never quit, the Prime Minister will pay tribute at the Amar Jawan Jyoti India Gate, where the flame of sacrifice burns strong and sacred. वास्तुकला के इस शानदार नमूने के वास्तुशिल्पी थे एडविन लटन्स। 1921 में तत्कालीन ड्यूक ऑफ कैनॉट ने इसकी आधारशिला रखी। 10 साल बाद
1931 में तत्कालीन वॉयसराय लॉर्ड इरविन ने इसे राष्ट्र को सौंपा। इंडिया गेट की मेहराब गोल है और छत आयताकार। छत के ऊपर सांची के स्तूप के ऊपरी भाग जैसा छोटा गुंबद बनाया गया। प्रथम विश्व युद्ध और अफगान युद्ध में शहीद हुए जवानों की याद में बने 42 मीटर ऊंचे इंडिया गेट की पथरीली और चिकनी दीवारों पर शहीदों के नाम उकेरे गए हैं। 13,000 हिंदुस्तानी और अंग्रेज सैनिकों के नाम भी हैं, जो युद्ध में लापता हो गए थे और उन्हें मृत समझ लिया गया था। 1971 में भारत पाक युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की स्मृति में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने इंडिया गेट की मेहराब के बीच एक छोटे चबूतरे पर अमर जवान ज्योति की स्थापना की। यहाँ ये ज्योति दिन रात प्रज्वलित रहती है। यहाँ एक उल्टी बंदूक है और उस पर रखी हुई है एक हेलमेट। अमर जवान ज्योति के पूर्व की ओर सेना के तीनों अंगों के ध्वज हैं। हमारे कल के लिए अपना आज कुर्बान करने वालों के प्रति यहाँ आकर सभी नतमस्तक हो जाते हैं। These now are live pictures of India Gate. In a while from now, the Prime Minister will arrive here and lead the nation in paying homage to the immortal soldier. The Inter-Services Guard of Honor, positioned to the north of India Gate, Wing Commander Ajay Dasari commands the Inter-Services Guard of Honor. The Army contingent under Major Anindya Chatterjee, the Naval contingent commanded by Lieutenant Commander Venkatraman Vishwanathan, and Squadron Leader B. Biswas commands the Air Force contingent. We also have buglers in position, and they'll be sounding the last post. And then after 2 minutes of silence, they'll sound the rouse. And they're positioned to the south of India Gate. After the Prime Minister lays the wreath, Wing Commander Ajay Dasari, the Guard Commander, will give the command for Salami Shastra, present arms, and Shok Shastra, reverse arms. Here we can see the Guard Commander, the voice of tone, the tenor, the command itself always deeply admired by those who hear it and revered even more by those who obey it. The cenotaph of the Amar Jawan. Respect and reverence for the sacrifice by our soldiers, our air warriors and seamen. The Raksha Rajya Mantri has just arrived here, Mr. M.M. Pallam Raju. The three service chiefs meeting with him, General V.K. Singh, Admiral Nirmal Barma and Air Chief Marshal P.V. Naik. Once again, this is the Guard Commander, Wing Commander Ajay Dasari. A cascade of flowers adorning the cenotaph and the flames burning pure and sacred. There in the distance, we can see Rajpath. And of course, symbols so poignant, so emotive, the inverted rifle and the soldier's helmet cresting it. Gilded letters on the cenotaph, Amar Jawan. This is a view now from our camera on top of India Gate, and there in the distance, we can see a motorcade. This is Rajpath now, the spectators thronging the stands. They're waiting for the main Republic Day celebrations, which of course traditionally do begin with the wreath laying ceremony at India Gate. And there in the distance, under the canopy of India Gate, at the memorial, at the Amar Jawan Jyoti, in a short while from now, the Prime Minister, Dr. Manmohan Singh, will lead the nation in paying homage.
The Raksha Mantri, Mr. A.K. Antony, has arrived here. Meeting with the three service chiefs. The crisp word of command by the guard commander. And in a short while from now, the Prime Minister will arrive here. He'll be met by Raksha Mantri, Mr. A.K. Antony. This is the wreath now being held by the wreath bearers. They'll walk in a slow march in front of the Prime Minister, and then the Prime Minister will lay it at the base of the memorial. The Prime Minister's motorcade now coming into view. On either side of Rajpath, the national tricolor. There in the distance, Rashtrapati Bhavan. And this vista, of course, will shortly come alive with the color and magnificence of the Republic Day celebrations. Under the canopy of India Gate in 1972, it was for the first time that the memorial ceremony took place. After the 1971 war with Pakistan, the government of India desired that an appropriate memorial be established in memory of our Jawans. And so on the 26th of January 1972, at exactly 9:40 a.m., the then Prime Minister, Mrs. Indira Gandhi, paid homage here on behalf of an entire nation. Amar Jawan in gilded letters in memory of the immortal soldier. Two very important components in the ceremony, of course, are the last post. It's a bugle call and was incorporated into funeral and memorial services as a final farewell and symbolizes that the duty of the dead is over and that they can rest in peace. In fact, a live commentary from India Gate is also linked to all the spectators at Rajpath so that they can hear those very poignant moments, words of command, music, and of course the integral 2 minutes of silence. The Prime Minister's motorcade inching now to the place from where he'll alight and from where he'll soon be received by the Raksha Mantri, Mr. A.K. Antony. The word of command by the guard commander in readiness for the arrival of the Prime Minister. The Prime Minister's motorcade now slowly drawing to a halt for this poignant and somber ceremony of respect and reverence. The Prime Minister, Dr. Manmohan Singh, being met by Mr. A.K. Antony, Raksha Mantri. Walking now, escorted by soldiers in a slow march, the wreath bearers. And as he lays the wreath down, with it on behalf of an entire nation, the Prime Minister pays homage and leads India into a solemn and silent tribute of remembrance and prayer. The three service chiefs, India's tribute to the Amar Jawan.
अंतर तिरंगा सलामी जस अंतर तिरंगा जो जस अंदर से लगा सलामी जस The Prime Minister, having signed the special visitor's book here to record his presence,
a historical record of all the ceremonies held here. And the rouse played to conclude funeral and remembrance services, it symbolizes an awakening in a better world for the dead, and also rouses the living back to duty, now that respects have been paid to the memory of their comrades. The Prime Minister will shortly leave for Rajpath, where the Republic Day celebrations will soon get underway. But before that, leaving for India Gate will be the three service chiefs and also Mr. A.K. Antony and Mr. M.M. Pallam Raju, so that they can be at Rajpath to receive the Prime Minister. And so the cynosure of all eyes now on the beautiful and grand vista, Rajpath. अमर जवान ज्योति पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह सलामी मंच की ओर रवाना हो चुके हैं और राजपथ की दोनों ओर बैठे लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं परेड के शुरू होने की। महामहिम राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल आज की परेड की सलामी लेंगी। इनसे पहले 11 राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस परेड की सलामी ले चुके हैं। 26 जनवरी 1950 को ये गौरव प्राप्त हुआ स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गांधीयन नेशनल लीडर डेमोक्रेटिक इंडिया फर्स्ट प्रेसिडेंट। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एजुकेशनिस्ट राइटर विजनरी। डॉक्टर जाकिर हुसैन नेशनलिस्ट एजुकेशनिस्ट। श्री वीवी गिरी लेबर लीडर द कंट्रीज फोर्थ प्रेसिडेंट। श्री फखरुद्दीन अली अहमद फ्रीडम फाइटर स्कॉलर। श्री नीलम संजीव रेड्डी इंडिया सिक्स्थ प्रेसिडेंट फ्रीडम फाइटर। ज्ञानी जेल सिंह फ्रीडम फाइटर नेशनल लीडर। श्री आर वेंकटरमन एजुकेशनिस्ट एंड स्कॉलर। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा फ्रीडम फाइटर स्कॉलर। श्री के आर नारायणन डिप्लोमैट एंड एजुकेशनिस्ट। डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम विजनरी साइंटिस्ट स्कॉलर। श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल इंडियाज फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट हु टुक ओवर ऑन द 25th of July 2007। राजपथ जहां कुछ ही देर बाद 62वें गणतंत्र दिवस की भव्य परेड गुजरेगी, राष्ट्रपति भवन, और उसके ठीक सामने है विजय चौक जहां से यह परेड आरंभ होती है। राजपथ के दोनों तरफ सुबह से ही काफी बड़ी संख्या में लोगों का आना शुरू हो गया था और प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का कारों का काफिला धीरे धीरे सलामी मंच की तरफ बढ़ता हुआ। As all await the arrival of the Prime Minister at the saluting base, we'd like to once again tell you viewers that our chief guest for today's parade is our honored guest Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono, President of the Republic of Indonesia, and Madam Ani Herawati. In fact, Indonesia holds a special place in the history of our republic since President Sukarno, the first President of Indonesia, accompanied by Madam Sukarno, was the chief guest at our first Republic Day celebrations way back in 1950. So this is a very special day for President Yudhoyono too. The cavalcade of vehicles with the Prime Minister Dr. Manmohan Singh slowly gliding towards the saluting base, where he will be received by the three service chiefs, the Defence Secretary, the Minister of State for Defence, and the Defence Minister Mr. A.K. Antony, who have already reached here after the poignant ceremony at India Gate. Pradhan Mantri Dr. Manmohan Singh Salami Manch padha rahe hain. Aur unke saath hain unki patni Shrimati गुरशरण कौर। प्रधानमंत्री की अगवानी की रक्षा मंत्री ए के एंटनी ने
रक्षा राज्य मंत्री एमएम पल्लम राजू और अब सेना के तीनों अंगों के अध्यक्षों से मिलते हुए प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह अभिवादन स्वीकार करते हुए यहां बैठे लोगों का। The Prime Minister moving in towards the VIP enclosures that seats cabinet ministers, members of parliament, foreign dignitaries and special invitees, greeting them warmly. It's a lovely sunny January morning here in New Delhi, a perfect day for a perfect parade. The warmth of the sun slowly gathering all present here in its embrace. And now the Prime Minister will also join the other dignitaries, the three chiefs, the Defence Minister waiting here first for the arrival of the Vice President of India, Shri Mohammad Hamid Ansari, and then of course the President of India, Srimati Pratibha Devi Singh Patil. In a short while from now, Rajpath will resonate with a medley of sounds, martial music, crisp crunch of marching boots, the rumble of military might, folk music, dancing bells and the roar of air power, and of course, periodic warm applause. कुछ ही देर बाद महामहिम राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल आज के समारोह के मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति महामहिम डॉक्टर एच सुसीलो बम्बंग युद्धयोनो के साथ यहां पधारेंगी और आज की परेड की सलामी लेंगी। प्रधानमंत्री कुछ देर पहले यहां पहुंच चुके हैं और अब यहां सभी लोगों को इंतजार परेड के शुरू होने का। सलामी मंच पर उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी पधारे हैं, उनकी अगुवाई की प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। The warm strains of Swagatam That's another cavalcade of vehicles, and from which alight the President's spouse, Sri Devi Singh Shekhawat, and the spouse of our chief guest, Mrs. Annie Bangbang Yothuyono, being introduced to the three service chiefs and other dignitaries here. Thank you.
And here we can see the President of India, Srimati Pratibha Devi Singh Patil, escorted by 46 bodyguards on magnificent bay-colored mounts, arriving here at the saluting base. Raised in 1773, the President's Bodyguards is the oldest and senior-most regiment of the Indian Army. And today it is led by the commander of the regiment, Colonel Akashdeep Bhanot, on his mount, Virat. The President's motorcade, arriving with ceremonial escort. And alighting from the vehicle, the President of India, Srimati Pratibha Devi Singh Patil, at Rajpath, New Delhi, accompanied by our guest of honor, Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono, the President of the Republic of Indonesia. And in a short while from now, the national anthem will be played, the flag will be unfurled, and of course, the parade will begin. तीनों सेनाओं की सुप्रीम कमांडर सेना के तीनों अंगों के अध्यक्षों से मिलने के बाद अभिवादन स्वीकार करते हुए अपने स्थान की ओर बढ़ते हुए महामहिम राष्ट्रपति के साथ हैं आज के समारोह के मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति और जैसे ही अपने स्थान पर पहुंचेंगे महामहिम राष्ट्रपति उसके बाद राष्ट्रीय सलामी दी जाएगी आज काफी धूप खिली हुई मौसम बहुत अच्छा Sixty-one-year-old President Yudhoyono is a military veteran and he was elected as the sixth president of the Republic of Indonesia in the first ever direct presidential election held in 2004. And this is Anik Bambang Yudhoyono with us to share in our Republic Day celebrations. A very warm welcome for them. The President, Mrs. Pratibha Devi Singh Patil, and the dignitary is now. और अब राष्ट्रीय सलामी वेरी शॉर्टली वी हियर द वर्ड ऑफ कमांड बाय कर्नल आकाशदीप भनोट कमांडेंट ऑफ द प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड फॉर द नेशनल सैल्यूट और अब अलंकरण समारोह होगा देश के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने वालों को राष्ट्र और देशवासी सदा याद रखते हैं
नतमस्तक होते हैं उनके प्रति. The investiture ceremony will take place now. The President of India presents the Ashok Chakra. के लिए अशोक चक्र. मेजर लायश राम ज्योतिन सिंह, सेना चिकित्सा कोर, भारतीय दूतावास, काबुल, मरणोपरांत. मेजर लायश राम ज्योतिन सिंह को काबुल में भारतीय चिकित्सा मिशन दल में तैनात किया गया था. 26 फरवरी 2010 को 6:30 बजे उस आवासीय परिसर पर हथियारों से लैस बम युक्त आत्मघाती आतंकवादियों ने हमला कर दिया, जिसमें अनेक सैन्य चिकित्सा अफसर रह रहे थे. वाहन पर रखे एक आत्मघाती विस्फोटक यंत्र से विस्फोट में 3 सुरक्षा गार्डो की मौत हो गई थी. तभी एक बम युक्त आत्मघाती आतंकवादी ने बचे हुए व्यक्तियों को मारने के लिए कलाश्निकोव से गोलियों की बौछार कर दी और हथगोले फेंके. 5 निहत्थे अफसरों ने एक कमरे में पनाह ली, जिस पर भी हथगोले से भारी आक्रमण हो गया था. मेजर लायश राम ज्योतिन सिंह कमरे के मलबे से रेंग कर बाहर निकले. वे निहत्थे ही आतंकवादी पर टूट पड़े ताकि वो साथियों पर और ज्यादा हमले न कर सके. आतंकवादी ने घबराकर आत्मघाती कमरबंद बम को उड़ा दिया, जिससे मेजर लायश राम ज्योतिन सिंह शहीद हो गए. मेजर लायश राम ज्योतिन सिंह ने आतंकवादी आत्मघाती बम युक्त हमले के समक्ष अनुकरणीय साहस, धैर्य, निस्वार्थता और वीरता का प्रदर्शन किया और अपने साथियों की जान बचाते हुए सर्वोच्च बलिदान किया. मेजर लायश राम ज्योतिन सिंह के भाई डॉक्टर LB सिंह. हमें नाज है अपने शहीदों पर, जो देश की एकता और अखंडता के लिए प्राणों की आहुति देने को सदैव तत्पर रहते हैं. और अब राजपथ पर शुरू हो रहा है देश की सैन्य शक्ति, सांस्कृतिक विविधता और विकास का शानदार प्रदर्शन. That we have our eyes on the Mi-17, 4 Mi-17 helicopters led by Wing Commander Amit Kumar Bhutani, trailing the national flag, and the other 3 helicopters trailing the ensigns of various services, flying steadily at 60 meters height and at close to speed of 80 kilometers per hour. They're in perfect formation, a good visibility for them, and that is why they are right down the Rajpath in a proper navigation, as we can see. And as the helicopters will come overhead, we can see the parade commander, Major General Manvendra Singh, Ati Vishisht Seva Medal and Vishisht Seva Medal, coming in front, leading the parade like every other year. This is the first Republic Day parade for the Major General, and this is the perfect timing. Major General Manvendra Singh presented his salute, and he will take the parade till India Gate, and President is returning the salute. In the meanwhile, we can see steadily the 4 Mi-17 helicopters now trailing the other flags along with the national flag, Army, Navy and Air Force ensign, and you can hear the drone and the flowers, the petals which are fluttering down from the right helicopter coming overhead. And thereafter, following the parade commander is the second in command, Brigadier Kuldeep Singh, Vishisht Seva Medal and Bar. Brigadier Administration, he is a Brigadier Administration, Delhi area, alumnus of Purulia Sainik School and National Defense Academy, and he is commissioned in the 8th Dogra Regiment, which he commanded also. This is a very rare honor for an officer to command his own regiment. And from India Gate onwards, the Deputy Parade Commander, Brigadier Kuldeep Singh, will lead the parade up to Red Fort. Now he'll present his salute to the Rashtrapati. President returns the salute.
सलामी मंच के सामने पहुंचते हुए परमवीर चक्र विजेता सुबेदार मेजर ऑनरेडी कैप्टन बाना सिंह सेवानिवृत्त, नायक सुबेदार योगेंद्र सिंह यादव 18 ग्रेनेडियर्स, लांस नायक संजय कुमार 13 जम्मू एवं कश्मीर राइफल्स, और उनके पीछे अशोक चक्र विजेता है लेफ्टिनेंट कर्नल जसराम सिंह सेवानिवृत्त, ब्रिगेडियर CA पिठावाला, ब्रिगेडियर जनरल स्टाफ कमांडर प्रशिक्षण मुख्यालय दक्षिण कमान, मेजर डी श्रीराम IMA देहरादून, ऑनरेडी नायब सूबेदार शेरिंग मुतुक सेवानिवृत्त, श्री हुकम सिंह जिला छतरपुर मध्य प्रदेश, श्री गोविंद सिंह जिला छतरपुर मध्य प्रदेश, श्री भूरेलाल जिला गुना मध्य प्रदेश। Winners, the only horse cavalry in the regiment in the world, 61 Cavalry. Captain Danny Swinton leading this regiment. Ashva Shakti Yashobal, horsepower forever supreme, that's their motto. And personnel from this proud regiment have brought laurels to the country in polo and equestrian competition. That's a view of the mechanized columns. We'll soon go past the saluting base, led by the T-90 tank Bhishma. Captain Rishi Dikshit of 70 Armored Regiment leading one of the finest tanks of the Indian Army, Bhishma. The T-90 tank equipped with a 125mm smooth bore main gun, 12.7mm anti-aircraft gun and a 7.62mm machine gun. Thermal imaging helps it in night firing. Range 4,000 meters. The tank has a maximum speed of 60 kilometers per hour. And now, going past the saluting base, led by Captain Charles Pereira of 861 Missile Regiment, the BrahMos Launcher System. This regiment is the first in the world to be equipped with this weapon system. Its battle cry, Swamiye Sharanam Ayappa. It's the result of high technology cooperation between India and the Russian Federation. विजय भवक के युद्ध घोष वाली मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर प्रणाली पिनाका का नेतृत्व 1890 रॉकेट रेजिमेंट के कैप्टन भूपेश कुमार कर रहे हैं। भगवान शिव के धनुष के नाम पर आधारित मल्टी रॉकेट लॉन्चर पिनाका कम समय में भयानक गोलीबारी कर तबाही मचाने में सफल एक पूर्ण स्वचालित प्रणाली है। सलामी मंच की तरफ बढ़ता हुआ 156 हल्के वायु रक्षा प्रक्षेपास्त्र रेजिमेंट स्वचालित का ये वाहन कैप्टन सप्तऋषि सरकार के नेतृत्व में टैक्टिकल कंट्रोल रडार रिपोर्टर सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए। वर्ष 2003 में सेना में शामिल ये रडार युद्ध के दौरान शस्त्र की अचूक तैनाती कर सकता है।
अब सलामी मंच की तरफ बढ़ता हुआ 201 इंजीनियर रेजिमेंट की कैप्टन पूर्णिमा भैसे के नेतृत्व में नाभिकीय जैविक और रासायनिक खोजी वाहन 201 हमेशा आगे के आदर्श वाक्य वाली ये पहली रेजिमेंट है जिसे एनबीसी रेकी वाहन सौंपा गया है। Coming down Rajpath, we have the skill of military engineers which spell success for Indian Army, indigenous pontoon movable bridge section, moto prashikshan hosh tezi contingent commanded by Captain Amit Shankar Jha of 65 Engineer Bridge Regiment. President returns the salute. This regiment carries the foldable bridge across obstacles because in a tactical battle area, the obstacles have to be crossed like water points and other deep ravines. This can move at a very quick speed along with the armor and moving troops can be moved along. Highlighting it is the integrated network platform which is now coming to the civil today, led by the Lieutenant Colonel Singh of 31 Armored Individual Single Regiment. It is one of the... Of course, it's appreciated by the three chiefs. And we have now the integrated network of signal. Lieutenant Kulbir Singh presenting his salute. During the battle area, in the battle area, a lot of signal equipment has to be integrated in one platform, and that is where the work of integrated network platform comes. Singh Raftar Sarvoch Sansar is the motto of this contingent and regiment. Army aviation cannot be left far behind, and we have the advanced light helicopter Dhruv of Army Aviation Tactical Squadron led by Colonel Uttam Hukku. Built indigenously by Hindustan Aeronautic Limited, Dhruv have seen service all over the world. And we have now Naib Subedar Sundarpal on his Prahar 510. Prahar provides protection for the troops in the, on the ground when they are moving by through armor cover, and they move along the armored regiments, and this has been created by Corps of Electronics and Mechanical Engineer. Well, we've had some superb martial music. Salami manch ki or badhte hue marching daste aur yahan baithe hue अतिथिगण, राजपथ आज सजीव हो उठा है। The stationary bands now, opposite the saluting days, will take a break. And that's because... Salami manch ki taraf badhta hua पंजाब रेजिमेंट का दस्ता। भारतीय सेना की सर्वाधिक प्राचीन रेजिमेंट पंजाब रेजिमेंट के दस्ते की अगुवाई तीन पंजाब रेजिमेंट के मेजर धर्मेंद्र सिंह चौहान कर रहे हैं। This is the Punjab regiment led by Major Dharmendra Singh Chauhan of 19 बटालियनों का प्रतिनिधित्व करने वाली इस गौरवशाली रेजिमेंट में मूलतः सिख और डोगरा समुदाय के जवानों का समावेश है। The Punjab regiment
mainly consists of Sikhs and Dogras. The regiment has won 153 battle honors. It has withstood 2 Padma Bhushans, 7 Param Vishisht Seva medals, 18 Mahavir Chakras, and 11 Kirti Chakras. मेजर धर्मेंद्र सिंह चौहान ने महामहिम राष्ट्रपति को सलामी दी। इस रेजिमेंट को 53 युद्ध सम्मान, 2 पद्म भूषण, 7 परम विशिष्ट सेवा पदक, 18 महावीर चक्र, 11 कीर्ति चक्र और अन्य कई पुरस्कार हासिल हो चुके हैं। आमर सेना कोर केंद्र एवं स्कूल और पंजाब रेजिमेंटल केंद्र का संयुक्त बैंड दल सलामी मंच के सामने से गंगोत्री की धुन बजाते हुए गुजरता हुआ। आमर सेना कोर केंद्र एवं स्कूल बैंड की कमान नायब रिसालदार राजेंद्र सिंह के हाथों में और पंजाब रेजिमेंटल केंद्र के बैंड की कमान सूबेदार जसवंत सिंह के हाथों में है। सत्रह ग्रेनेडियर्स के कैप्टन वीरेंद्र सिंह चंदेल की अगुवाई में ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट का मार्चिंग दस्ता राजपथ पर आगे बढ़ता हुआ सर्वदा शक्तिशाली के आदर्श वाक्य का निर्वहन करते हुए इस रेजिमेंट के जवानों ने प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध और आजादी के बाद के सभी युद्धों में अपनी वीरता के परचम लहराए हैं। Commanded by Captain Sarabjit Singh of 17 Rajputana Rifles. Rajputana Rifles. ये दस्ता भारतीय सेना की प्राचीनतम रेजिमेंटों में से एक राजपूताना राइफल्स रेजिमेंट का है। इस दस्ते की अगुवाई 17 राजपूताना राइफल्स के कैप्टन सर्वजीत सिंह कर रहे हैं। हर मोर्चे पर शौर्य की पताका लहराने वाली इस रेजिमेंट के जवानों ने उत्तर पूर्व से लेकर पंजाब तक तथा जम्मू और कश्मीर की आंतरिक सुरक्षा में सराहनीय योगदान दिया है। This is the combined band of the Artillery Center and Rajput Regimental Center. It is led by Subedar Major T. Vijayan Acharya and Subedar Mohammad Yasin. The tune, God of War. Captain Subhash Bhakal of the Rajput Regiment leading the contingent of the Rajput Regiment. The battle cry, Bol Bajrang Bali Ki Jai. And their motto, Sarvatra Vijay. The regiment has also been awarded 1 Paramvir Chakra, 9 Ashok Chakra, 13 Param Vishisht Seva medals and 11 Mahavir Chakras. Aaj man romanchit aur gaurvanvit ho raha hai. Tum par duniya ne naaz kiya. तुम हो दुनिया के कीर्तिमान बिजली की बचन बचन लहरे राष्ट्र पताका Setting Rajpath aglow with their glorious uniform, the Sikh Light Infantry Regiment, Captain Karan Karir, leading the contingent, descendants of the corps of Sikh pioneers. Their motto, Degh Degh Fateh. This is the combined band led by Subedar Major Ganesh Dutt Pandey of the Brigade of the Guards and Subedar Major Prayag Dutt of the Maha Regimental Center. The tune, Pragati. बलिदानम वीर लक्षणम के आदर्श वाक्य वाली जम्मू एवं कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट के जवान
11 जम्मू एवं कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के कैप्टन सनी जुनेजा की कमान में सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए। वीरों के वीर यूनिट अलंकरण से शोभित इन जवानों ने आतंकवाद निरोधी गतिविधियों में अग्रणी भूमिका निभाई है। Now marching smartly and looking grand in a mosaic of tilted felt hats, in perfect symmetry, rank and file. दो बटा तीन गोरखा राइफल्स के मेजर पवन उनियाल के नेतृत्व में तीन गोरखा राइफल्स का दस्ता सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ। इस रेजिमेंट में सिर्फ गोरखाओं का प्रतिनिधित्व है। The Gurkha Rifles. We have the Combined Band of Parachute Training Center and Maratha Light Infantry Center, led by Subedar Ram Singh and Naib Subedar Bajantri. Veer Bharat. Territorial Army, also called the Terriers or the Citizens Army. We have Captain Kedar Dalvi leading 101 and 109 infantry contingent for today. भारतीय नौसेना का विश्व प्रसिद्ध ब्रास बैंड, बैंड मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर रमेश चंद्र कटोच क्लास वन के नेतृत्व में धुन जय भारती। लेफ्टिनेंट कमांडर सुशील कुमार के नेतृत्व में हमारी समुद्री सीमा के रक्षक नौसेना का मार्चिंग दस्ता, नौसेना की तीन कमानों के 144 जवानों के इस दल में प्लाटून कमांडर लेफ्टिनेंट अशित मिड्डा, लेफ्टिनेंट दीपिका मिश्रा और लेफ्टिनेंट विक्रम सिंह भी हैं। नौसेना की इस झांकी की कमान लेफ्टिनेंट कमांडर ए.के. निषाद संभाल रहे हैं। नौसेना के शानदार अतीत, जानदार भविष्य की तर्ज पर आधारित इस झांकी में भारतीय नौसेना के विमान वाहक पोत INS विराट को दिखाया गया है। इस झांकी के ऊपरी हिस्से में नौसेना के MiG-29 विमान की प्रतिकृति दिखाई दे रही है। नौसेना